हेलो फ्रेंड, नमस्कार। मैं सिंह फ्रेंड, आज को नेक्स्ट वीडियो आप सीलो का स्वागत है। तो फ्रेंड, आज मैं आपको बताऊंगा कि पेट्रोल पंप पे उधारी का सिस्टम कैसे चलता है। यदि आप पेट्रोल पंप पर पेट्रोल डीजल की उधारी करते हैं तो उधारी किस प्रकार करनी चाहिए और उधारी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। तो देखिए फ्रेंड, सबसे पहला मेरा कहने का मतलब है, यदि आप पेट्रोल पंप चलाते हो तो पेट्रोल पंप पे जहाँ तक है उधारी नहीं करनी चाहिए, बिल्कुल भी उधारी नहीं करनी चाहिए। उधारी में पेट्रोल पंप नहीं चलाना चाहिए, क्योंकि वो इसलिए कि जब हमारे पेट्रोल पंप पे स्टॉक कम होता है, उसके बाद हम अपना पेट्रोल डीजल का लोड कंपनी से मंगवाते हैं। तो लोड मंगवाने से पहले हमें RTGS करना होता है। जैसे कि मान के चलिए मैंने 20 लाख रुपए का 20 KL का टैंकर मंगवाया, उसके बाद मेरा जो 20 KL का टैंकर है वो 20 लाख रुपए का आया, तो कंपनी मेरे से पहले पैसा जमा करवाएगी, उसके बाद ही मेरे पेट्रोल पंप पे पेट्रोल डीजल का लोड आएगा। ठीक है, लोड आने के बाद मैंने पहले पैसा जमा कर दिया 20 लाख रुपए, उसके बाद मेरे पेट्रोल पंप पे लोड आया और लोड आने के बाद मैंने लोड को सेल करना स्टार्ट कर दिया, जो कि मेरे पास 20 लाख रुपए का लोड था, उसमें से मैंने 1,30,000 रुपए की उधारी कर दी। अब मेरे पास जो पूरा लोड बिकने के बाद पैसा बचा वो 18,70,000 रुपए बचा, 18,70,000 रुपए, क्योंकि 1,30,000 मेरी उधारी हो चुकी है। अब मुझे फिर से 20 KL का लोड मंगवाना है, जो कि 20 लाख रुपए का आना है, और मेरे पास 18,70,000 रुपए हैं। अब मुझे शॉर्ट पड़ा 1,30,000 रुपए। अब मैंने जिस कस्टमर को पैसा दिया था, भाई वो बोल रहा है कि मेरे पास अभी नहीं है, और मैं उसको बार बार फ़ोन लगा रहा हूँ, मेरा फ़ोन नहीं उठा रहा है। ठीक है, तो इस चक्कर में हमारा जो पंप है वो घाटे में चला जाता है। तो इस प्रकार की हमें उधारी नहीं करनी चाहिए, हमें पेट्रोल पंप उधारी पे बिल्कुल नहीं चलाना चाहिए। मेरे साथ कुछ ऐसा ही हुआ है, कई कस्टमर ऐसे हैं जिन्होंने मेरा पैसा नहीं दिया है, और अभी मैं आपको बताने वाला हूँ कि जो मेरे साथ हुआ है। तो मैंने भी काफ़ी कस्टमरों का उधार डीजल वगैरह दे दिया है, उधारी पे डीजल दे दिया है। तो कस्टमर का कहना था कि हम 10 दिन के अंदर पैसा दे देंगे, जितना भी हमारा डीजल जाएगा 1,000, 2,000, 5,000 लीटर, जो भी हमारा 10 दिन के अंदर जितना भी बजट बनेगा हम आपका पूरा पैसा दे देंगे। ठीक है, तो हमने उनसे बोला कि ठीक है, आप हमें चेक वगैरह दे दीजिए, ब्लैंक चेक, और हम आपको डीजल दे देंगे, लेकिन 10 दिन के अंदर आपका पैसा आ जाना चाहिए। 10 दिन से ज़्यादा होंगे तो फिर आपको प्रॉब्लम होगी। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या किया कि कस्टमर को डीजल दे दिया, और कस्टमर पहले पैसा देता गया कस्टमर पहले पैसा 10 दिन के अंदर ही, मतलब जैसे ही उसके 10 दिन होते थे और वो कस्टमर पैसा दे देता था। लेकिन अब क्या हुआ, कस्टमर का जब ज़्यादा बजट हो गया, उधारी कुछ ज़्यादा ही हो गई है, तो कस्टमर ने पैसा देना बंद कर दिया। तो देखिए अब क्या हुआ कि कस्टमर ने पहले डीजल ले लिया, अच्छा खासा डीजल ले लिया, तो 1,30,000 रुपये का डीजल ले लिया। 1,30,000 का डीजल लेने के बाद कस्टमर ने पैसा नहीं दिया, और आज तक भी अभी भी पैसा नहीं दिया है। इसीलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ कि आप भी पेट्रोल पंप पे उधारी ना करें। तो देखिए, मैंने कस्टमर को कई बार कॉल किया, लेकिन कस्टमर कॉल नहीं उठा रहा है। एक बार कस्टमर ने कॉल उठाया था आज से 4 से 5 दिन पहले, तो कस्टमर बोला कि मैं 20 तारीख को आपका पैसा दे दूंगा, जो कि आज है आपका 26 तारीख, तो कस्टमर ने आज तक पैसा नहीं दिया। तो मैंने क्या किया, कस्टमर का जो पैसा है वो 1,30,000 रुपये है, तो मैंने कस्टमर से पहले ही 1-2 ब्लैंक चेक ले रखा था, क्योंकि मुझे पता था कि कस्टमर कुछ भी कर सकता है, इसलिए मैं कस्टमर का चेक रखूं, मेरे लिए ये बहुत ही अच्छा ऑप्शन होगा। तो देखिए अभी मेरे पास एक कस्टमर का ब्लैंक चेक है, देखिए, जो कि मैंने साइन वगैरह करवा के कस्टमर का रख लिया है, और ये HDFC बैंक का ब्लैंक चेक है। फ्रेंड देखिए, मैंने कस्टमर का एक ब्लैंक चेक ले के रखा है, देखिए ऐसे मेरे पास 4 से 5 ब्लैंक चेक हैं। तो अब मैं क्या करूँगा, कस्टमर ने मेरा पैसा नहीं दिया है, तो अब मैं बैंक में ये चेक लगाऊंगा। तो होगा अब ये कि यदि कस्टमर के अकाउंट में पैसा नहीं होगा तो ये चेक बाउंस होगा। यदि चेक बाउंस होगा तो कस्टमर के ऊपर जो पेनल्टी लगेगी वो तो अलग ही लगेगी, लेकिन कस्टमर को इसके चेक बाउंस होने के कारण सजा भी हो सकती है। ठीक है, आपने कई केसों में ऐसा देखा है। तो जब भी हम उधारी करते हैं तो हमें कम से कम 4 से 5 ब्लैंक चेक लेना ज़रूरी है, तभी पेट्रोल पंप पर पेट्रोल डीजल की उधारी करें। और चेक लेने के बाद भी आप ज़्यादा उधारी नहीं करें,
50,000 1 लाख तक का आप उधारी करें, इससे ज़्यादा उधारी ना ही करें। और जहाँ तक है मेरा कहने का मतलब है कि आप पेट्रोल पंप पे बिल्कुल उधारी ना करें, क्योंकि मेरा पैसा काफ़ी लोगों के पास फंसा हुआ है। तो एक एक कस्टमर हैं जिनके पास 1,30,000 रुपये फंसा हुआ है। तो अभी मैं कल इनका चेक लगाऊंगा, ये जो ब्लैंक चेक है मेरे पास, मैंने कस्टमर को कई बार बोला लेकिन कस्टमर ने पैसा नहीं दिया। 10 दिन का कहना था लेकिन आज से 2.5 से 3 महीने होने जा रहे हैं, कस्टमर कॉल भी नहीं उठाता है मेरा। तो मैं एक चेक लगा दूंगा बैंक में, यदि ये बाउंस होगा चेक तो कस्टमर पे पेनल्टी लगेगी और कस्टमर को सजा भी हो सकती है इसके कारण, क्योंकि चेक बाउंस नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो जब भी हम उधारी करते हैं तो हमारे पास ब्लैंक चेक होना बहुत ज़रूरी है। अभी एक केस में आपने देखा होगा, अभी जो पेट्रोल पंप पे उधारी चलती थी किसी पेट्रोल पंप पर, तो उस पेट्रोल पंप पे क्या हुआ कि कस्टमर ने पहले ही उसके चेक ले रखे थे 4 से 5, लेकिन कस्टमर ने पैसा कैश नहीं दिया। तो जो पेट्रोल पंप वालों के पास जो चेक थे, उन्होंने उस चेक को बैंक में लगा दिया। कस्टमर का क्या हुआ, उस अकाउंट में पैसा नहीं होगा कस्टमर का, तो चेक बाउंस हुआ। चेक बाउंस हुआ तो उस समय कस्टमर पे 8 लाख की पेनल्टी लगी है और उसको 1 साल की सज़ा भी हो गई है। तो इसलिए हमें इस तरीके की चेक लेके रखना चाहिए, तभी उधारी करना चाहिए, और उधारी कम से कम करें तो बहुत ही अच्छा ऑप्शन होगा हमारे पास। क्योंकि पेट्रोल जो हमारा डीजल होता है, डीजल पे हमारा जो मार्जिन होता है वो 2 रुपये होता है, 2 रुपये पर लीटर, 2 रुपये पर लीटर के हिसाब से उसमें हमारा GST भी जाता है। जो हमारे सेल्समैन वगैरह होते हैं उनकी सैलरी वगैरह भी जाती है, और हमारा जो बिजली का खर्चा वगैरह होता है और भी अन्य खर्चे हैं, सब कुछ काट पीट के हमारे पास 1.25 रुपये के करीब बचता है। मान के चलिए 1 रुपये सब कुछ काट पीट के 1 रुपये बचा है, तो 1 रुपये पर लीटर हमें बचता है। ऐसा नहीं है कि 2 रुपये डीजल पे हमें मिलता है पर लीटर पर तो 2 रुपये बचता है, हमें केवल 1 रुपये बचता है सब कुछ काट पीट के। तो कस्टमर ऐसे पैसे नहीं देंगे तो हमें काफ़ी प्रॉब्लम होगी। तो इस तरीके से हमें 4 से 5 चेक लेके रखना चाहिए। ओके फ्रेंड, आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार।